हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल हाइब यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है अरुण। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरह आप कंप्यूटर के अंदर आप स्पीडोमीटर लगा सकते हैं। मतलब कि मैं कहना चाहूँगा, आपका इंटरनेट स्पीड अगर आपको जानना है अपने कंप्यूटर के अंदर कि आपका कौन सा एप्लीकेशन कितना डाटा चूस रहा है, तो आप सिंपली इस एप्लीकेशन की मदद से आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोन में पहले से अवेलेबल रहता है कुछ कुछ डिवाइसेस में, और किन्हीं किन्हीं में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना रहता है। तो उसी तरह आज विंडोज़ के अंदर भी आप जानेंगे किस तरह आपको इंस्टॉल करना है और किस तरह आपको यूज़ करना है। तो जैसे कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको पहले से प्री इंस्टॉल्ड देखने को नहीं मिलता है स्पीड लिमिटर, लेकिन हाँ आप टास्क मैनेजर के थ्रू भी देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग कैटेगरी वाला हो जाएगा। मतलब आपको टास्क मैनेजर खोलना होगा, फिर आपको देखना होगा कि कौन सा आपका एप्लीकेशन डाटा यूज़ कर रहा है ज़्यादा। तो उससे बेटर है आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है जो कि है नेट बैलेंसर, जो कि 9.12.5 बिल्ड है और ये RAR फाइल है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ये सिंपली 7 MB का है, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसे आपको सिंपली ओपन करना है। अगर आप इसे WinRAR से ओपन करेंगे तो उसमें आपको कुछ एरर देखने को मिलेगा, या तो आपका डैमेज बताएगा वो फाइल, तो ये आप नोट डाउन कर लेगा। डैमेज बताएगा तो आप सिंपली आपको 7-zip डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको 7-zip के थ्रू इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली करना क्या, सेटअप के अंदर जो नेट बैलेंसर का सेटअप रखा हुआ है उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए, यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद जैसे कि यहाँ रीस्टार्ट का ऑप्शन पूछ रहा है, तो ये नेसेसरी नहीं है, रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम कर जाएगा। तो चलिए, इसी फोल्डर के अंदर आप देख पाएंगे कि एक क्रैक फोल्डर का भी ऑप्शन है। सिंपली आप इसे कॉपी कर लीजिए या फिर आप मूव भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको नेट बैलेंसर एप्लीकेशन का फाइल लोकेशन खोजना होगा। तो सिंपली इस पर राइट क्लिक करिए और ओपन फाइल लोकेशन पर चले जाइए और अपना वो क्रैक फोल्डर खोलिए, और उस क्रैक फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स हैं उसे आप ड्रैग कर लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए उस नेट बैलेंसर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ मूव कर दिया है, तो चलिए मैंने यहाँ मूव कर दिया, तो यहाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है सारा इंस्टॉलेशन और प्रोसेस। और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरा इंटरनेट डिसकनेक्टेड है। और चलिए, तो मैं इसे इनेबल करने के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको टास्क बार में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप टूल बार में जाना होगा। टूल बार के अंदर नेट बैलेंसर को इनेबल करना होगा। नेट बैलेंसर को इनेबल कर लेने के बाद आप नीचे देख पाएंगे आपका स्पीडोमीटर लग चुका है। उसके बाद आप सिंपली आप नेट कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन एप्लीकेशन कितने डाटा चूस रहा है। जैसे कि फिलहाल मेरा यहाँ sbchost.exe डाउनलोडिंग के लिए लग चुका है। जैसे कि देख सकते हैं इतना डाटा खपत कर रहा है। और नीचे में आप डाटा कितना यूज़ हुआ है वो भी देख पाएंगे, कितने कनेक्शंस हैं ऑनलाइन, कितने एप्लीकेशन है, सारे चीज़ आपको डिटेल देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब एप्लीकेशन है, आप अपने पीसी में ज़रूर इंस्टॉल करें और आपको आइडिया भी लग जाएगा। और अपना डाटा को लिमिट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आपका डाटा यूज़ होने लगा है अपने कंप्यूटर में, तो सिंपली आप नेट बंद कर लीजिए या फिर उस टास्क को आप किल कर दीजिए, जिससे कि आपका डाटा बच जाएगा। तो चलिए, यही वीडियो था आप लोगों को बताना था कि आप किस तरह अपने कंप्यूटर के अंदर आप स्पीडोमीटर लगा सकते हैं, इंटरनेट स्पीड मीटर, जो कि काफ़ी यूज़फुल है अगर आपको डाटा रिड्यूस और बचाना है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक मैं मिलना चाहूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स। गुड बाय।